हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस व्लॉग में आज मैं आपको रेक्टेंगुलर फिगर्स का पेरिमीटर कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब रेक्टिलिनियर फिगर्स क्या होती हैं? वो सारी प्लेन फिगर जिसमें की लाइन सेगमेंट हो उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर फिगर। मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक एंड पॉइंट हो और उसका कुछ मेजरमेंट हो उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब इसमें क्या क्या आएगा रेक्टिलिनियर फिगर्स में? ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है और पेंटागन। ये सब क्या है? ये सब रेक्टिलिनियर फिगर है क्योंकि इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट भी होता है और हम उसको मेजर भी कर सकते हैं। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि सर्कल जो है वो रेक्टिलिनियर फिगर नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि रेक्टिलिनियर फिगर्स जैसे कि ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, इसका पेरिमीटर कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रायंगल का पेरिमीटर कैसे निकाला जाता है। पेरिमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, जैसे कि कोई ट्रायंगल है और हमें पता है कि ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है। तो यहां पर राइट हैंड साइड पर जैसा कि हम देख सकते हैं एक ट्रायंगल है ए बी सी, और अगर हम इस ट्रायंगल ए बी सी की तीनों साइड्स यानी कि ए बी प्लस बी सी पर प्लस सी है, इन तीनों को एडअप कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी मिल जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल हूज साइड्स आर 7 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर एंड 9.3 सेंटीमीटर। अब हमें एक ट्रायंगल का पैरामीटर निकालना है और उसकी तीनों साइड्स की मेजरमेंट मतलब माप दी हुई है। अब हम कैसे निकालेंगे पैरामीटर? हमें तीनों साइडों का मेजरमेंट को ऐड कर लेना है। ओके, 7 प्लस 8.5 प्लस 9.3, और जब हम इन तीनों साइड्स को ऐड अप करेंगे तो हमें पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल मिल जाएगा। सेकेंड है हमारा पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे पता करते हैं? हमें पता है कि रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। मतलब अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है तो सीडी भी 5 सेंटीमीटर होगा। मतलब रेक्टेंगल में लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है। ठीक है, और अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में हम एक रेक्टेंगल देख सकते हैं ए बी सी डी। ठीक है, और जब हम इन चारों साइडों को जोड़ लेंगे, एड अप कर लेंगे तो हमको पैरामीटर मिल जाएगा इस रेक्टेंगल का। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 28 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 17 सेंटीमीटर। अब हमें एक रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है जिसकी लेंथ और ब्रेथ लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दी हुई है। ओके, तो पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। जैसे कि मैंने बताया था कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, इसलिए दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लेंथ की जगह जो लेंथ दी है वो लिख देंगे, ब्रेथ क्या है 17 सेंटीमीटर है तो 17 लिख देंगे। अब 28 और 17 को जब हम ऐड करेंगे तो हमको 45 मिलेगा। ठीक है, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं और हमें क्या कहते हैं, एक ही साइड की लेंथ और एक ही साइड की ब्रेथ दी है। क्यों दी है? क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा? 90 सेंटीमीटर मिलेगा। अब इसके बाद आता है स्क्वायर। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं? हमें पता है स्क्वायर में 4 साइड होती हैं और चारों साइड इक्वल होती हैं। अगर एक साइड फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर है तो बाकी की 3 साइड भी 6 सेंटीमीटर ही होंगी। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड्स, 4 साइड इज 4 लिखा है, और जो भी उसका मेजरमेंट होगा उसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। अगर हमें साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? 1/4 इंटू इट्स पैरामीटर। अगर हमें पैरामीटर पता है स्क्वायर का और हमें साइड निकालनी है तो 1/4 से उस पैरामीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको साइड ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, मतलब एक साइड पता चल जाएगी। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ईच ऑफ हूज साइड्स मेजर 16 सेंटीमीटर। तो हमें एक स्क्वायर का ठीक है पैरामीटर निकालना है जिसका जिसकी साइड्स क्या मेजरमेंट है 16 सेंटीमीटर। मतलब उसकी एक साइड 16 है, अगर एक साइड 16 है तो बाकी की तीनों भी 16 सेंटीमीटर होंगे क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है। साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू साइड, 4 इंटू 16, और जब हम 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको 64 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो इस तरीके से स्क्वायर का पैरामीटर निकाला जाता है। यहाँ पर मेरा व्लॉग खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।